नमस्कार, मैं शिवम और आप जुड़े हैं केडीएम एनसाइक्लोपीडिया से। हमारा काम है आप तक एजुकेशनल न्यूज़ और मोटिवेशनल न्यूज़ पहुंचाना, जो कि हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको एजुकेशनल न्यूज़ या मोटिवेशनल न्यूज़ चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब हम बात करते हैं कि मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया है। ये वीडियो है आपके सभी के रिजल्ट के बारे में, जिन्होंने 2 तारीख को सुपर 100 का एग्ज़ाम दिया था। नाराज़गी तो कुछ स्टूडेंटों की है जो हिंदी मीडियम से है। उन्होंने बोला कि हमारा सारा जो है पढ़ाई का सारा सिस्टम हिंदी के अंदर था, लेकिन हमारा एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में आ गया है। तो ये सारी बातें आपको सुपर 100 वाले ही बता सकते हैं। इस बारे में मैं आपके साथ कोई भी चर्चा नहीं कर सकता कि आपका जो पेपर है वो ऐसा होना चाहिए था या वो ऐसा होना चाहिए था। मेरा काम है आप तक न्यूज़ को पहुँचाना, और इससे ज़्यादा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उन लोगों से, ठीक है। तो मैं उनसे ये पता नहीं कर सकता कि आपका पेपर जो है वो हिंदी में मीडियम था और इंग्लिश में क्यों आया है, हिंदी मीडियम में क्यों नहीं आया। तो वो सारा जो प्रोसीजर है वो उनका है, वो उनकी टेंशन है या आपकी टेंशन है, तो वो आप दोनों को सोल्व करना चाहिए। चाहे वो आप कॉन्टैक्ट करके करें, चाहे आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन के बाद करें कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों। आपको उसका आंसर मैं नहीं दे सकता और ना उस बारे में वहाँ से पता कर सकता, क्योंकि वो हाई अथॉरिटी ने सोची है चीज़ें जो कि सही ही होगी, ठीक है। चलो करते हैं इस वीडियो के बारे में चर्चा कि ये वीडियो क्यों थी। ये वीडियो इसलिए थी, जिन्होंने 2 तारीख को एग्ज़ाम दिया था उन सभी के मेरे पास अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। कोई बच्चा बोल रहा है कि क्या लेवल 2 का भी एग्ज़ाम होगा, कि इसके बाद भी अगर हमने ये पहला एग्ज़ाम दे दिया कि इसके बाद में सीधा सिलेक्शन होगा या लेवल 2 का भी जो है एग्ज़ाम होगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि जी बिल्कुल होगा, एग्ज़ाम तो होगा आपका, दूसरा भी होगा, जल्दी होगा, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात बता देता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सोमवार या मंगलवार, इसी सोमवार या मंगलवार को वो आ जाएगा। उस रिज़ल्ट के बाद में आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 2 टाइम एक रियल टाइम नहीं दिया। इन्होंने बोला इस टाइम के अराउंड में इसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो यानी सोमवार या मंगलवार इन दोनों के बीच या इन दोनों के दिन आपका रिज़ल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि अब की बार जैसे हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से कैसा प्रोसीजर रहेगा, कैसे सब कुछ चलेगा, बता देता हूँ थोड़ा सा आपको क्या होगा। अब की बार लगभग 800 से 1000 के बीच में बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 800 से 1000 के बीच में लेवल फर्स्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा आगे पहुंचने के लिए वहां पे। उसके बाद में क्या करेंगे, आपको वहां पे बुलाया जाएगा, जो कि लगभग दिवाली के बाद ही बुलाया जाएगा। दिवाली के बाद या 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख इन तीनों तारीखों के बीच में आपको बुलाया जाएगा कि आप अब यहां पे आइए। और जाने के बाद में आपके हॉस्टल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे रहोगे, वो सारा कुछ वहीं आपको मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, जब वहाँ पे रहने लगे, यानी पहले दिन गए उसी दिन इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे आपको 3 दिन तो पूरा पढ़ाएंगे, चौथे दिन आपको इवनिंग का एग्ज़ाम होगा और मॉर्निंग में आपको स्टडी कराएंगे। यानी आपके अगर हम गिनकर बनाएं कि कितने दिन बनते हैं, तो 3.5, यानी पहले 3 दिनों को शाम को और सुबह तीनों दोनों टाइम पढ़ा के, यानी 6 क्लासेस हो गई। उसके बाद में क्या होगा, अगले दिन सुबह की मॉर्निंग की क्लास आपकी लगेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में सारा सा प्रोसीजर चेंज होगा। आपको इवनिंग में पेपर देना होगा, अगले दिन आपको रवाना कर दिया जाएगा घर के लिए, ठीक है। आप घर जाओगे, घर जाने के बाद में क्या होगा, आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा 2 या 3 या 4 या 5 दिन के अंदर रिजल्ट दे के कि आप सिलेक्ट हुए हैं। कैसे सिलेक्शन होगा वो बताता हूँ। 800 से 1000 के बीच में फर्स्ट क्लियर रखेंगे कि पहले क्लियर हो गए। दूसरा एग्जाम होगा तब कैसा होगा, 4 सेंटर बने हैं, कौन कौन से बने हैं वो गौर से सुनिए। हिसार बना है, करनाल बना है, पंचकुला है और रेवाड़ी है। रेवाड़ी और पंचकुला पहले से ही हैं, हिसार और करनाल नए बने हैं। करनाल पहले था जिसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब उसको सेट कर दिया गया है। 4 सेंटर बने हैं, हर सेंटर के अंदर लगभग 125 स्टूडेंट लेंगे, 125 या 130 के अराउंड लेंगे, ठीक है। यानी 500 के या 500 या 450 इन इसके बीच बीच आपके बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। यानी अब की बार एग्ज़ाम के अंदर जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर 500 के लगभग बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको कोचिंग दी जाएगी। अलग अलग सेंटर का सिस्टम क्या होगा, 125 को अलग, 125 को अलग, 125 को अलग, 125 को अलग, ऐसे रखा जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, सबसे बड़ा प्रश्न है ये, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो पहले एग्ज़ाम के राउंड,
पहला एग्जाम क्लियर कर दिया, उसके बाद में ये प्रोसीजर लंबा जाएगा, कम से कम 20 दिनों तक चलेगा। कैसे चलेगा वो सुनिए आप। जैसे ही आपको सिलेक्ट कर लिया गया तो आपको इकट्ठों को 800 या 1000 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे इकट्ठा नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, इकट्ठा नहीं बुलाया जाएगा, सभी को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले बैच के अंदर 200 बच्चे बुला लिए, 200 बच्चों को बुलाया, उसका एग्ज़ाम लिया, 4 दिन हो गए, उनको वापस भेजा, फिर 200 बच्चों को और बुला लिया गया, फिर उनका एग्ज़ाम लिया, उनको वापस भेजा, फिर 200 या 250 जो भी इनका बनेगा उतने बच्चों को ये बुलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि 200 या 250 बच्चों को बार बार बुलाकर, बार बार उनको कोचिंग करवा के फिर आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको 1000 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, 1000 के 1000 को रेवाड़ी सेंटर के अंदर बुला लिया और वहाँ पर आपको कोचिंग करवा दी। सारा काम तो रेवाड़ी के अंदर होगा, लेकिन अगर आपको ऐसे कोचिंग करवाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बुला लेंगे तो लॉकडाउन का पालन नहीं होगा। इसलिए वो क्या करेंगे, 200-200 बच्चों के ग्रुप या 250-250 बच्चों के ग्रुप बनाएंगे, 4 दिन बुलाएंगे, उनका पेपर लेंगे, उनको घर भेजेंगे, फिर अगलों को बुलाएंगे, उनका पेपर लेंगे, फिर घर भेजेंगे, फिर आपका 16 दिन के या 20 दिन के प्रोसीजर के बाद में आपको रिजल्ट बताएंगे कि क्या रहा आपका रिजल्ट, क्या आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियो पूरी देखा करो आप, ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से पता हो, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हो फिर आप पता करना चाहते हो, कमेंट में पता कर लेते हैं, कमेंट में 2 घंटे आप दिमाग ख़राब करते हो, किसी का रिप्लाई आती है किसी का नहीं आता, तो कमेंट से पता करने की ज़रूरत नहीं। जब 7 या 8 मिनट की वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जा रही है तो कमेंट में कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है। आप कमेंट में दिमाग खर्च करते हो, कमेंट का जवाब कब आएगा, फिर उसको कमेंट का जवाब दें, फिर उस कमेंट का जवाब, फिर उस कमेंट का जवाब, तो ऐसे में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा ना। 7 या 8 मिनट की वीडियो होती है तो आप पूरी देखा करो उसको, ठीक है। ये थी इन्फॉर्मेशन पूरा सुपर हैंडेड के बारे में, कि ऐसे ऐसे करके 125 डिवाइड कर देंगे या फिर 130 डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखेंगे, 4 अलग अलग सेंटर, 4 अलग अलग तरीकों में ये डिवाइड करेंगे आपको। तो ये था सारा प्रोसीजर पूरा सुपर हैंडेड का जो मैंने आपको बताया है, उसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, कई बार क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद में ये हो जाता है कि गवर्नमेंट पता नहीं क्या स्कीम चेंज कर दे, ठीक है, क्योंकि वो काम तो गवर्नमेंट को करना है, हमें नहीं करना, हम तो उनका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके उनसे पता करके थोड़ा सा बता सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जय हिंद जय भारत।